शुभ सकाळ। आमे आज पढ़ा सप्तम श्रेणी साहित्य बही आम भाषा आम साहित्यर गल्प मंत्र जहार गाल्पिक होचंती मनोज दास। तबे मनोज दास ओडिया साहित्य रे जणे गोटे प्रसिद्ध नाम जणे प्रसिद्ध गाल्पिक से तांको गल्परे भारतर संस्कृति ऐतिह्य ओ परंपरा को आधार करी से अनेक गल्प लिखिछंती। गल्परे ओडिसा रो परंपरा इतिहास थारु आरंभ करी ओडिसा रो सामाजिक चलनी पर्यंत सबु किछि आमे तांको गल्परे देखिबा को पाइबा एवं एमिति कि तांको गल्परे से अनेक पशुपक्षी मानंकर मानवीकरण मध्य करिछंती। तबे अनेक स्वादर भिन्न भिन्न स्वादर गल्प से ओडिया साहित्य को देइछंती। ता भितरु तांको पुस्तक गुड़िक भितरे रहिछंती कथा ओ कहानी धूम्रभ दिगंत ओ अन्यान्य कहानी आबू पुरुष ओ अन्यान्य कहानी लक्ष्मीर अभिसार शेष वसंतर चिठी आरण्यक इत्यादि प्रधान। तेबे एई मंत्र प्रसंगटी तांकर उपकथा शतक संकलन रु गृहीत होईछि। उपकथा शतक गोटे संकलन तांकर रहीछि जोथिरे निहित रहीछि एई गल्प मंत्र। तेबे एई गल्परे किभली भावरे प्रकृतरे मंत्र शिक्षा कौन प्रकृत मंत्र कौन एवं किभली भावरे मंत्र शिक्षा केवल शब्द मानंकर उच्चारण नुहे तार गोटे सर्वकालिक आवेदन ही अपरिहार्य मंत्र शिक्षार उद्देश्य ताहा एठारे गल्प ताहा एठारे गाल्पिक एई गल्प माध्यम रे प्रकाश करिछंती। तेबे आमे तुमे माने निश्चित मंदिर जाउथिबो मस्जिद जाउथिबो केही केही मुसलमान माने गिरजाघर भी जाउथिबो ख्रिस्टियन माने किंतु आमे समस्ते कौन करुचे भगवान करो मंत्र जपुचे। अनेक मंत्र रहिछि प्रत्येक धर्म रे रहिछि आमे मंत्र जपुचे किंतु से मंत्र रो अर्थ आमे पचारिबा जदि ताहेले शहे रु बोध हुए अनेशत जन को तार अर्थ जणा नथिबो एवं मंत्र को आमे केवल पाटी रे उच्चारण करू ताकू केबे हेले दिन प्रतिदिन जीवन रे आमे केबे कार्य रे लगौना। तेणु से मंत्र रो मंत्र लेखार बा से मंत्र पाठर आभिमुख्य रो आभिमुख्य जहाँ थिला ताकू रचना करिवार ताकू पाठ करिवार आभिमुख्य जहाँ थिला ताहा नष्ट होइ जाए अर्थात ताहा उद्देश्य तार उद्देश्य पूरण हो पारि नथाय। तबे मंत्र तबे गाल्पिक मनोज दास आमको ये गल्परे सिखेबे जे किभली भावरे आमे केवल गल्प को उच्च सॉरी आमे केवल मंत्र को केवल उच्चारण करले हेबो नाही तार अर्थ बुझी ताकू प्रतिदिनर जीवन रे जदि आमे कार्यकारी करि परिबा ताहेले मंत्र पाठर उद्देश्य सार्थक हेबो बोली आमको गाल्पिक परोक्ष भावरे ए गल्परे बुझेबा को चेष्टा करछन्ती। ताहेले देखिबा कहानी टी किभली तबे कहानी रा शीर्षक हेउची मंत्र। मणिमा वर्तमान समय बे शांतिपूर्ण आपणंक आदर्श शासन रे राज्यर परिस्थिति उत्तम ओ पड़ोसी राज्य मानंक सह आमर संपर्क उत्तम मोते 6 मास छुट्टी रे जिबाकू अनुमति मिलु हला। मणिमा माने तुम्हें जानिपारथिबो राजा मणिमा को एठी संबोधन करा जायछि मणिमा एठी संबोधन करायछि अर्थात आसिकिरी महामंत्री राजा को जणैले हला। महामंत्री राजा को जणौछंती जे हे मणिमा वर्तमान राज्य रे सब किछि ठीक ठाक अछि पड़ोसी राजा को राज्य मानक सहित आमर संपर्क मध्य भल अछि एवं आदर्श शासन मध्य चलिछि तेणु वर्तमान राज्य रे किछि असुविधा नाही तेणु मु वर्तमान 6 मास छुट्टी चाहूछि। आसिकी महामंत्री छुट्टी मागिले राजा को राजा को महामंत्री आसिकी छुट्टी मागुछन्ते। तो कहानी रो आरंभ एठारु होइछि
राजा अछंती, राजांको पाखरे महामंत्री आसिके पहुंची छंती एवं महामंत्री राजा को छुट्टी मागु छंती 6 मास एवं जणौछंती राज्य रे कोठी किछ असुविधा नाही, सब कुछ ठीक ठाक चलछि, तेणु मते 6 मास छुट्टी मिलु हैला। तापरे राजा पचार उत्तर दौछंती, अर्थात पचारु छंती जे काही कि महामंत्री एडे दीर्घ समय छुट्टी नै करिवे कोन, भ्रमण रे जिबे सपरिवार। राजा प्रश्न कले, राजा एक कथा सुनि कि प्रश्न पचारछन्ते काही कि महामंत्री 6 मास छुट्टी नै कि एते बड़ छुट्टी नै कि कोडे जिबे सपरिवार रे, कोडे बुलिबा को जिबे, भ्रमण रे जिबे, परिवार को नै कि बुलिबा को जिबे ना कोन, कोडे जिबे हला। सेठो महामंत्री कहचन्ते ना महाराज आउ तेबे तीर्थयात्रा करिवे। राजा पचारछन् ताले कोन, ताले कोडे जिबे तीर्थयात्रा रे जिबे ना महाराज, तीर्थयात्रा मोर उद्देश्य नुहे, तबे गंगा तीरवर्ती जो आश्रम रे मो गुरुंक सान्निध्य रे किछि दिन बिताइबी ताहाकु तीर्थ कहिले भूल हेबो नाही हला। से कहो महामंत्री कहचन्ते ना मो तीर्थ करबाकु जिबिनी, किंतु गंगा नदी कूल रे, गंगा तीरवर्ती माने तीर माने कोन कूल हला, गंगा नदीर कूल रे, गंगा नदी कूल रे जो आश्रम रहिछ मो गुरुंकर हला, अर्थात महामंत्री गुरुंकर आश्रम रहिछ गंगा नदी कूल रे, से तांको गुरुंक पाखकु जिबे हला। से कहचन्ते जे गंगा तीरवर्ती मोर जो मो गुरुंक आश्रम रहिछ से गुरुंक सान्निध्य किछि दिन बिताइब, अर्थात मो गुरुंक पाखरे मु रहिबी किछि दिन जाइकि मो गुरुंक पाखरे मु समय बिताइबी। ताकु तीर्थ कहिले भी भूल हबनी, चलिबो आपण जदि तीर्थ बोली कहिबे भी ताले ठीक अछि। मो मो गुरुंक अर्थात महामंत्री छुट्टी मागुछंती जाइकि तांको गुरुंक पाखरे रहिबे किछि दिन, जे कि गंगा नदी कूलरे रहउछंती। सेठो राजा प्रश्न करछंती, आश्चर्य भी होउछंती, गुरुंक पाखरे काहे कि जाय 6 मास रहिबे एबे। राजा प्रश्न करछंती गुरुंक पाखरे एते दिन रही करिवे कोन, राजा पचारिले। महाराज गोटिए मंत्र शिखिबा निमन्ते बहु दिनरु थिबा मोर अभिलाष पूर्ण करिबाकु चाहे। सेठ महामंत्री कहउछंती जे मु गोटे मंत्र शिखिबाकु चाहुछि, आउ से इच्छाटा अभिलाष माने कोन इच्छा, से इच्छाटा मु पूरण करिबाकु चाहुछि, मु गोटे मंत्र शिखिबाकु चाहुछि, से मंत्रटी गुरुंक पाखरे रही गुरुंक ठारु से मंत्रटी शिक्षा करिवार मोर जो इच्छाटी जो अभिलाष ता पूर्ण करिबाकु मु चाहुछि हला। कि मंत्र महामंत्री, राजा पचारिले कि मंत्र। गायत्री मंत्र, महामंत्री कहिले कोन सेटा मंत्र ना गायत्री मंत्र, तुम्हें समस्ते भी गायत्री मंत्र जानिथिबो हा ना नै, एणु महामंत्री कहिले मु गायत्री मंत्र शिखिबा को चाहे हला। सेठो महामंत्री मु आपण को आगामी काली मो सिद्धांत जणाइबी बोले, राजा कहिले कहिले ठीक अछि मु काली आपण को जणाइबी आपण को छुट्टी मिलिबो कि नाही, आपण को मु छुट्टी देबी कि नाही, केते देबी कोन देबी से सब मु काली आपण को जणाइबी हला। धन्यवाद महाराज, महामंत्री यह कही राजा को धन्यवाद दे विदा नहीं चली गले। महामंत्री गला परे चली गले, सेठी शेष होइछि सेही दृश्य। तापरे पचारछन्ति तापरे तापर दिन सकाळे सकाळ होइछि, सेठो राजा तांको उद्यान रे पदचारणा करुछन्ति माने कोन, पदचारणा माने कोन, एपट सेपट होउछन्ति पाद चलाउछन्ति अर्थात एपट सेपट होउछन्ति तांको बगीचा रे। राजा सकाळ सकाळ उठि तांको बगीचा रे एपट सेपट होउछन्ति, महामंत्री आसी पहुँचिले सेतिक बेले। ता पर दिनर घटना, महामंत्री सकाळ सकाळ आसी पहुँचिले, सबुदिन राजांक सह सकाळे उद्यान भ्रमण रे जोग दे गुरुतर समस्या मान संपर्क रे आवश्यक हेले आलोचना करिबा थिला विधि हला। अर्थात सबुदिन सकाळे बगीचा रे राजा आउ मंत्रींकर भेट हुए हला, बगीचा रे सबुदिन सकाळे राजा आउ मंत्री भेटाभेटी हुवंती, एवं किछि जदि इम्पोर्टेंट
ଥିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ଡିସ୍କସନ୍ କିଛି ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା ଥିବ ସେମାନେ ସେଇଠି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଧି ବା ସବୁଦିନିଆ କଥା ହେଲା। ସବୁଦିନ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ସେଇ ବଗିଚାରେ ହୁଏ ହେଲା। ତା ପରଦିନ ସେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ରାଜା ଉତ୍ସାହ ଭରେ ଏତିକି କହି ହଠାତ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରିଦେଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲେ। ତାପରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅନାଇ ପଚାରିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଏମିତି ରସିକତା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଗିଚାରେ, ରାଜା ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଏମିତି ରସିକତା ମୋ ସହିତ କରୁଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏମିତି ମଜା କରୁଥିବେ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ରସିକତା କରୁଥିଲି ମହାରାଜ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ରସିକତା କରୁଥିଲି, କ'ଣ ମଜା କରୁଥିଲି? ରସିକତା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣ ଯିବା ପରେ ପରେ ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଖି ପକାଇଲି, ତାହା ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ 6 ମାସ ସମୟ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି କହିବା ରସିକତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ହେଲା। ରାଜା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ କାଲି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ମାଗିଲେ, ଆପଣ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକେଇଲି, ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଖିଲି ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଶିଖିଗଲି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଖିଲି। ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ 6 ମାସ ଛୁଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜାକ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରସିକତା ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ରାଜା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ରାଜା, ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ କିଛି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ କିଛି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଲେ? ତାପରେ ସେଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ରାଜା ପୁନର୍ବାର ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ, ମୋତେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଲେ କି? ମନ୍ତ୍ରୀବର କ'ଣ ଏହା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ? ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏ ଯେଉଁଟା ଗାଇଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ? ମହାରାଜ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତଥାପି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଗାଇଲେ ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କିଛି ସମୟ ଅନାଇ ରହି ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୋ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ହେଲା କି? ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲି, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ହେଲା କି? ନା ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିର୍ଭୁଲ। ନା ମହାରାଜ, ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ବାରମ୍ବାର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଏ କଥା କହିଲେ, ରାଜା ସେଠୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଧୀରେ 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 ରାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେଲା। ରାଜା ସେଠୁ କହିଲେ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ମୋର ତ ସେମିତି ମନେ ହୁଏ ନା ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥାର, ମୋର ତ କାହିଁ ସେମିତି ମନେ ହେଉନି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି। ତେବେ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବାକୁ ଚାହଁ? ରାଜା ଆହୁରି ଜୋର ରାଗିଗଲେ, ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମହାରାଜ ସେଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଥାଇ ନପାରେ, ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି।
महामंत्री पुणी तार भी उत्तर दौंस जे आपणकर मो उपरे मत आप मत विश्वास करेंगे बोली मुझे आशा करुच्ची मोर उद्देश्य से भली केबे भी रहिबने जे मु आपणक मुंड खराब करदेवि हला तेबे तमें प्रमाण कर मु गायत्री मंत्र शिखी ना राजा कहिले राजा बड़ व्यस्त भाव होते तुम प्रमाण कर मु गायत्री मंत्र शिखिनी राजा व्यस्त हो पड़े बारंबार से कथा से कहते जे आप गायत्री मंत्र शिखी ना शिखी ना राजा इे गायत्री मंत्र गाई चलते गाई चलते तापरे जेतेबले से तांगु कहुचंती राजा सेठु व्यस्त हो पड़े केउ पंडित उपर तुम आस्था अच्छी कह ता आगे मु गायत्री मंत्र आवृत्ति करी ठीक अच्छे कौ पंडित उपरे तुम विश्वास अच्छी कह से पंडित सामने मु गायत्री मंत्र गायबी जदि सी भी मना करेंगे देखा सी कौन कहते हैं एक कहले राजा व्यस्त हो पड़े तापरे पंडित डकाइबार प्रयोजन ना महाराज मंत्री कहते पंडित डकाइबार प्रयोजन ना महाराज आपण गायत्री मंत्र शिखी ना बोली मु प्रमाण करदेपरि किंतु जो पंथारे करी दुस्साहसिक आपण भीषण क्रोध हो पारती महामंत्री कहले जे कौनसी पंडित को डाकिबा आवश्यक ना महाराज मु ही प्रमाण करदे पारि आप गायत्री मंत्र शिखी ना तेबे जो रास्तार जो पंथारे जो जेमिति भाव में मुझे प्रमाण करी से गोटे दुस्साहसिक पंथा आपण रागि जापारती आप क्रोध करपारती बोली से कहले तुम जो पंथारे पार प्रमाण कर मु अनुमति देली राजा सेठ अनुमति दे ठीक अच्छे तुम्हें जो रास्त जमी प्रमाण कर अनुमति दौर कहले सेठ राजा यह कह मात्रे महामंत्री राजा जमी कथा कहीदे कहवा मात्रे के महामंत्री जड़े माली को पाख को डाकिले जड़े माली से बगिचारे माली सब कम करी को पाख को डाक दौड़ी आने को कहले कह गोटे दौड़ी नहींक आसल माली दौड़ी नहींक आसला माली जा गोटे दौड़ी नहींक आसला माली महाराजा को से गच्छ देहरे बांधि पकाओ मंत्री निर्देश देले माली को जाओ महाराजा को से गच्छरे बांधि दियो आज्ञा माली आश्चर्य ही पचारा आज्ञा कौन कहते महाराजा को बांधिदेवी आश्चर्य हो गले किए आश्चर्य हो गला माली कहली परा महाराजा को बांधि पकाओ महामंत्री आदेश दौंस बारंबार राजा तो संदेह करुथिले महामंत्री को मुंड बिगड़ी जाइछि हला राजा संदेह करुथिले जे महामंत्री को मुंड बिगड़ी जाइछि वर्तमान से निश्चित हो गले से माली को वर्तमान से निश्चित हो गले जे सतरे महामंत्री को मुंड बिगड़ी जाइछि से पागल हो गलेनी हला मते कोन बांधि देबा को आदेश देलेनी तनो सतरे ये पागल हो गलेनी आंकर मुंड काम करूनी बोली वर्तमान राजा पूरा कन्फर्म हो गले जे मंत्री को मुंड खराब हो गलेनी हां मुंड खराब हो जाइछि बोली सेठु सी माली को हुकुम देले राजा सेठु माली को हुकुम देले कौन कहले महामंत्री को बांधि पकेला मुंड खराब से पगल हो गले ना कौन ना कौन कर पक तुम्हें आगे बांधि पकाओ बोली से कहले क्या माली को हाँ माली को राजा हुकुम देले जे जा महामंत्री को बांधि पकाओ माली तत्क्षणात राजा को आदेश पालन कला माली कौन कला सांगे सांग राजा को आदेश पालन कला मंत्री बारंबार दिथर तीन थर कहला से राजा को बांधु नाला किंतु एवं राजा जमी आदेश देते सांगे सांग से कौन कला आदेश पालन कला अल्प हसिले महामंत्री टिके हसिले हसिकी कहले राजा को कहले धन्यवाद मणिमा वर्तमान मो कथार अर्थ बुझिले त आरि भितरे से निज कथार अर्थ बुझे पारमी आम देखा आग को से कहते वर्तमान मो कथार अर्थ बुझिले तो क्यों कथार क्यों अर्थ राजा एपर्तंत भी बुझी पार ना क्यों कथार क्यों अर्थ महाराज आम दुहे एक ही लोक को एक ही भाषा एक ही निर्देश देलु आम दीज जाक आपण आ महाराज आपण आमे दुई जन जाक गोटे लोक गोटे माली को गोटे भाषा आपण भी कहले आदेश देले जे बांधि पकाओ मु भी आदेश देली बांधि पकाओ हाँ समान आदेश देले किंतु मो निर्देश कार्यकारी हेला ना किंतु आपण को निर्देश तत्क्षणात कार्यकारी हेला काहेकि हेला हला मो आदेश कार्यकारी हेला ना किंतु आपण जोटा आदेश देले सांगे सांग कार्यकारी हेला काहेकि हेला
राजा बुझेवाकु आरंभ करुथिले धीरे धीरे। तमने बुझिपारछ ना नाही? बुझिपारिब धीरे धीरे बुझिपारिब। से कहुछन्ति जे राजा धीरे धीरे बुझेवाकु, राजांक सहित तमे भी बुझिपारिब। राजा धीरे धीरे बुझेवाकु आरंभ कले कथाटा, तथापि कहिले बुझाई कहंतु, टिके बुझाई कहंतु, आपण कोन कहुछन्ति, कोन कहिबाकु चाहुछन्ति। सेठो महामंत्री राजांकु बुझेकि कहुछन्ति, महाराज आपण जहाँ उच्चारण कले ताहा पछरे थिला अधिकार, आपण जो ताकु निर्देश देले आपणंकर ता उपरे अधिकार थिला, ता पछरे कोन थिला अधिकार, मो उच्चारित निर्देश पछरे अधिकार नथिला, माळी उपरे मोर कोनोसी अधिकार नाही, कारण से आपणंकर कर्मचारी, आपणंकर अधिकार ता उपरे अछि, आपणंकर अधिकार अछि ता उपरे बोली से आपणंकर निर्देश मानिला, मोर अधिकार ता उपरे नाही बोली से मो निर्देश मानिला नाही। बुझिपारल? से कहते जे मंत्र प्रति यही सत्य ही प्रजुज्य, मंत्र प्रति यही सत्यटि ही कौन जुक्तिजुक्त अटे। केमिति ना खाली मंत्रर शब्द सबु शिखिने बा मंत्र शिखिबा नुहे, खाली मंत्रर शब्द सबु शिखिने बाटा मंत्र शिखिबा नुहे। एला मु भी शब्द करिकि ताकु कहिली, आपण भी शब्द करिकि कहिले, किंतु मो शब्दर कौनसी कार्यकारी हेला नाही, आपणक शब्दर कार्यकारी सांगे सांगे माळी कला, काहेकि कारण आपणक शब्द पछरे आपणकर अधिकार काम करूथिला। बुझिपारल? से कहुछन्ति जे खाली मंत्रर शब्द गुडाक सबु उच्चारण करदेले हब नाही, मंत्र भितरे थिबा शक्ति आयत्त हेबा चाही अर्थात आवश्यक। तेबे से कहुछन् जे मंत्र भितरे जो शक्ति अछि से शक्ति को जदि तुम्हें आयत्त करिपारिब ताहेले जाई से मंत्र शिखिबार सार्थकता रहिछि। हला से सेया कहुछन्ति जे से शक्ति आयत्त करिबा निमन्ते केतेक श्रृंखला अर्थात साधना लोडा, केतेक मते डिसिप मते केतेक श्रृंखला शिखिबाकु पडिब, मते कोन शृंखलित हेबाकु पडिब, सेतिपई साधना लोडा, सेतिपई परिश्रम लोडा। हला गायत्री मंत्र रे जहा कुहा जायछि केवल ताकु घोषि देले हबनि, ताकु कोन तार शब्द खाली उच्चारण करदेले हबनि, सेतिरे जो शक्ति रहिछि से शक्ति कु कोन आयत्त करिबाकु पडिब, एवं सेतिपई साधना दरकार, सेतिपई परिश्रम दरकार, जोटा कि संभव एभली संभव नुहे, मते मो गुरुंक पाखकु सेतिपई जिबाकु पडिब, गुरुंक पाखरे रहिकि मते सेतिपई साधना करिबाकु पडिब। हला से पई समय आवश्यक, सेतिपई समय दरकार, से खाली एमिति कहिदेले हेबो नाही। हला तबे तबे से गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामंत्रीको कहिबार उद्देश्य होचन्ति होचि ए जो मंत्र रहिछि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व तत्स विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यार अर्थ कौन? यार अर्थ होचि भगवान प्रत्येकंक आत्मारे लीन होइछन्ति, अर्थात आमको प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक प्राणी रे भगवानकर परमात्मा लीन होइछन्ति, परमात्माकर अस्तित्व प्रत्येक प्राणी रे रहिछि, तेणु आमको ए संसार रे रहिथिबा दृश्यमान प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि रे देखिबा उचित, समस्तंक प्रति आमर सम्मान रहिबा उचित, ईश्वरंक प्रति आमर निष्काम भक्ति रहिबा उचित, कामना विहीन भक्ति रहिबा उचित, एवं भगवानक प्रति निजकु आमे समर्पण करिबा उचित, एवं भगवानक प्रार्थना करा जाउछि एई ओम भूर्भुवस्व एतिरे भगवानक प्रार्थना करा जाउछि, हे भगवान मते सत मार्गरे परिचालित करंतु। हला मते सत मार्गरे परिचालित करिबा पई से कोन करछन्ति ओम भूर्भुवस्व तत्स्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। से कहुछन्ति आ भितरे तुम्हें कौन यही मंत्र भितर कहुचि जे हे मनुष्य तुम्हें निजक भगवान पाखे समर्पित दि निष्काम भगवान पाखे निष्काम भक्ति अर्पण कर एवं भगवान को प्रार्थना कर जे सी तुमको सत मार्ग परिचालित करातु। हला तबे
এই জিনিসটি আমি কেবল মুখরে উচ্চারিত করুছে কিন্তু এর অর্থ কেবে বুঝিবাকু চেষ্টা করিনে কি এর অর্থ অনুসারে যেমতি কি সেতরে কোয়া যাচ্ছে ও মানে কোন ঈশ্বরঙ্কর সত্তা পরমাত্মাঙ্কর সত্তা প্রত্যেকটি জীবঠারে রহিছি প্রত্যেকটি জীবর দেহরে রহিছি তেণু প্রত্যেক জীবঙ্কু আমকু সম্মান দেবা উচিত হ্যাঁ যেটা কি আমি কেবে পালন করু না তবে মহামন্ত্রী কহিবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই মন্ত্রটি আপন খালি গাউছেন কিন্তু আপন তা ভিতরে থিবা শক্তি কু আয়ত্ত করি না তা ভিতরে কোন কুহা যাচ্ছে সে মন্ত্রে তাকু নিজর দিন প্রতিদিনর দৈনন্দিন জীবনরে হ্যাঁ আমি কার্যকারী করুনে হেলা তেণু এ শব্দ খালি উচ্চারিত করিদেলে কিছু লাভ হব না বলে এটি গাল্পিক সেই উদ্দেশ্যে এটি মহামন্ত্রী মুখরে গাল্পিক কহবাকে চেষ্টা করছেন হ্যাঁ সে ঠিক সেই বিষয়ে সে কৌঁচ যে সে শক্তি আয়ত্ত করা নিমন্তে কেবল শৃঙ্খলা অর্থাৎ সাধনা লোড়া কোচন যে সে মন্ত্রের যা সবু কিছু কুহযাই তাকু আয়ত্ত করা হলে তাকে কার্যকারী করা হলে সময়ের আবশ্যক রয়েছে হল এতে সহজরে আমি এসবু কু গ্রহণ করি কার্যকারী করে পারিবা না সেইপা ছ মাস সময় লোড়া সেইপা মু ছ মাস ছুটি মাগুছি বলে মহামন্ত্রী কৌন সে সময় আবশ্যক তেবে যাই মন্ত্র সহিত তাকে উচ্চারণ করিবার অধিকার আসিব হল তো সে কোচন্তি তাহলে যাই মন্ত্র সহিত তাকে উচ্চারণ করিবার অধিকার আসিব হ্যাঁ মন্ত্রকে উচ্চারণ করিবার অধিকার সেতবে যাই আসিব যেতবে তাকে তার শক্তি কু তা ভিতরে থাকা শক্তি কু আমি আয়ত্ত করে পারিবা হেলা এবং তাপরে যাই মন্ত্র কার্যকারী হব সে কোচন তাপরে যাই মন্ত্র কার্যকারী হব মন্ত্রকু কার্যকারী করা আবশ্যক হ্যাঁ যেমতি আরম্ভর মু কহিলি গাল্পিক আমি এতে বুঝাইবাকে চেষ্টা করছেন যে মন্ত্র আমি যে গাউছে খালি আমি শব্দকু উচ্চারণ করুছে কিন্তু তাকে কার্যকারী করু না তবে তাকে কার্যকারী করা আবশ্যক হ্যাঁ তা ভিতরে থাকা শক্তি কু আয়ত্ত করা আবশ্যক সেতরে কোণ কুহযাই তাকে আমি দৈনন্দিন জীবনরে যদি প্রয়োগ করে পারিবা তাহলে যাই মন্ত্র উচ্চারণর সার্থকতা হাসল হয়ে পারিব এবং তাকে উচ্চারণ করিবার অধিকার বি আমাখে আমার রহিব হেলা তবে রাজা এথর বুঝিগলে যে প্রকৃতরে মন্ত্রী কোণ চাহুছেন এবং কোণ কহবাকে কোণ বুঝাইবাকে চেষ্টা করছেন রাজা বুঝিলে ও মন্ত্রী ক্ষমা মধ্যে মাগিলে হেলা তাঁকু মন্ত্রী যে বাঁধি পকাইব যে আদেশ দিয়ে সেইপাই সে দুঃখ প্রকাশ কলে এবং তাঁকু ক্ষমা মাগিলে এবং তাঁক কথা বুঝি নপারি তাঁকু ইয়াড়ু সাড়ু কহিবার তাঁকু ক্ষমা প্রার্থনা কলে এবং তাঁকু কৃতজ্ঞতা মধ্যে প্রকাশ কলে তাঁকু ধন্যবাদ দেলে যা হো হে মন্ত্রী হে মহামন্ত্রী আপনার কোটি কোটি ধন্যবাদ যে আপনার গোটে এত বড় গুড় তত্ত্ব মতো আজ শিখাই দেলে সেইপা রাজা মন্ত্রী ধন্যবাদ অর্পণ করেছেন তবে রাজা মন্ত্রী ভিতরে এই কাহিনী ভিতরে এটা কেবল গোটিয়ে কাহিনী নুহে এই কাহিনী মাধ্যমে গাল্পিক মনোজ দাস আমাকে শিখাইবাকে চেষ্টা করেছেন যে প্রকৃতরে মন্ত্রকু ঘোষিকি ঠাকুর সামনে বা মূর্তি ঠাকুরঙ্কর যে মূর্তি সামনে ফটো সামনে খালি মন্ত্র ঘোষিকি গাইদেলে তার সার্থকতা আসি নথায় মন্ত্র সে মন্ত্রের যে মন্ত্র আমি ভগবান নিকটরে গাউছে তার অর্থ কোণ বুঝি তাকে প্রতিদিনর তাকে দৈনন্দিন জীবনরে আম নিজ জীবনরে তাকে প্রয়োগ করে পারিলে তেবে যাই মন্ত্র উচ্চারণর সার্থকতা হাসল হয়ে পারিব বলে গাল্পিক মনোজ দাস আমাকে এই গল্পরে শিখাইবাকে চেষ্টা করছেন তবে মু আশা করুছি তুমি মানে সম্পূর্ণ গল্পটি ভালো ভাবে বুঝিপারিথিব তথাপি যদি কোটি অবুঝা রহিলা তাহলে মতে নিশ্চয় মেসেজ করিব ধন্যবাদ।